हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप और XYG चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेके आया हूं, जिसमें बताने वाला हूं कि जो आपके गांव में इस समय महिलाओं के जो समूह चल रहे हैं, जिसमें छोटा छोटा लोन प्रोवाइड कराया जाता है 30,000-20,000 का, तो शायद आपको पता होगा कि उसमें एक एजेंट आता है जो मीटिंग करता है, तो उसी एजेंट की बहुत सारी जो पोस्टें हैं वो खाली हैं। और ये छोटी छोटी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, तो ये फ्रेशर को भर्ती कर रही हैं डायरेक्ट इंटरव्यू करा के। आपको किसी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन और इंटर पास आउट होने चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे इसमें सिलेक्शन पाना है और सैलरी कितनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट क्या है। तो पोस्ट इसमें जो मेन है वो आपका रहेगा SO का। SO का मतलब होता है सेल्स ऑफिसर, यानी कि आपका जो काम है वो आप तरीके से कह सकते हैं कि मार्केटिंग का काम है। आपको सिर्फ लोन बेचना है, यानी कि लोन आपको गांव-गांव में जाके और महिलाओं की एक टीम बनानी होती है, समूह, और फिर उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपका काम यही रहेगा कि आपको टीम बनाना है और आपको कलेक्शन भी करना रहेगा, ऑफिस में भी वर्क है। तो बात कर लेते हैं अगर इसके एलिजिबिलिटी की, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियां में, और कुछ में तो इंटर पास भी ले रही हैं। जैसे इस समय बात करें तो भारत फाइनेंस, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, आरोहन और बहुत सारी ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जो गांव में एक्टिव हैं। तो अगर आप भी इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी में महीने में 3 से 4 बार इंटरव्यू होते हैं। आप इन कंपनियों के रीजनल ऑफिस में या फिर जो इनका डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि कौन सी डेट में इंटरव्यू होगा। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है रेफरेंस, यानी कि जो इस कंपनी में जैसे वर्क कर रहा है, अगर उस एजेंट से आप संपर्क में हैं तो उसका रेफरेंस लगता है। विदाउट रेफरेंस इस कंपनी में फ्रेशर को जॉब नहीं दी जाती। तो अगर आपके गांव में कोई भी समूह चल रहा है, तो वहां जो एजेंट आते हैं, अगर आपकी वहां अच्छी पहचान जान संपर्क है, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी कंपनी में इंटरव्यू कब है, और आप उनका रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। तो उनका रेफरेंस यूज करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में नॉर्मली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके मोबाइल पे ही होते हैं। मोबाइल पे एक लिंक दिया जाता है और वहाँ से आपको सबमिट करना होता है। बाकी आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर को क्या उस फील्ड के बारे में नॉलेज होगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे? बस आपका नाम और आप क्यों काम करना चाहते हैं और इसी फील्ड को क्यों चुना, यही सब 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको रीजनल ऑफिस जो इनका होता है, वहाँ पे 7 days या 15 days ट्रेनिंग के लिए आपको भेजेंगे, और आपको फिर उसके बाद आपको आपका सेंटर बता देंगे कि आप जिस ज़िले से भी हैं, तो आपके ज़िले से बहुत सारी कंपनियां 100 से 150 किलोमीटर के अंदर आपको पोस्टिंग देती हैं, और बहुत सारी कंपनियां 50 से 60 किलोमीटर दूर ही आपको पोस्टिंग दे देती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। और अगर इसके वेतन की बात करें, तो इसमें आपका जो स्टार्टिंग वेतन है वो 11,000 से लेकर 14,000 तक आपका जो सैलरी है, और प्लस आपको इसमें 6,000 तक इंसेंटिव है, और 2,000 से 2,500 रुपये तक पेट्रोल का मिलता है, और 500 रुपये मोबाइल का। वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।